हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहने आई। वो लोग शांत स्वभाव के थे। मेरी उत्सुकता बढ़ती रहती उनके बारे में कुछ जानूं। और औरतों की तो ये बीमारी ही है दूसरों के बारे में जानना, दोस्ती करना, गॉसिप करना। मैं हमेशा ताक में रहती थी उनसे बात करने को। एक दिन ये मौका मिल ही गया। मेरी पड़ोसन अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आ रही थी। मैं बोली, अब तो दिखती ही नहीं, कैसी हो आप? नई जगह है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। वो मुस्कुराई और बोली, हाँ ज़रूर। फिर वो ये बोल के चली गई कि सारे काम पड़े हैं। एक दिन वो मुझे दिखी। इस बार वो मेरे पास आई और बोली, आज शाम को मेरे घर चाय पर मिलते हैं। मैं तो खुशी हो गई। मैं शाम 5 बजे उसके घर पहुंची। उनका घर काफ़ी करीने से सजाया था। छोटे से बच्चे के साथ भी उन्होंने कितने अच्छे से सब मैनेज किया था। एक भी चीज़ें इधर की उधर नहीं। मैंने तो पूछा, कैसे सब कर लेते हो आप? जवाब में फिर वही प्यारी सी मुस्कान। उस दिन हमने खूब मजा किया। हमारी तो अच्छी दोस्ती हो गई। उनका नाम कीर्ति है। अब हम तो रोज मिलते, खूब गप्पे हाँकते। मुझे बहुत अच्छी लगती वो। एक दिन उनके घर से तेज आवाज आ रही थी, गवार हो तुम, एकदम गवार। मुझे तो बस इतना ही समझा, लेकिन उनके पति पता नहीं और क्या क्या उन्हें बोल रहे थे। ये सुन के मैं थोड़ी चिंतित और दुखी हो गई। पूरी रात करवटे लेके बीते मेरे। मेरे मन में बस यही आ रहा था, कीर्ति जी और गवार, इतनी शांत सुशील पढ़ी लिखी भी है, फिर वो गवार कैसे हो गई? यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन जैसे ही मेरे पति गए, मैं उनसे मिलने को बेताब थी। लेकिन मैं उनके पास जाती तो शायद उन्हें बुरा लगता, सो मैं उनके घर नहीं जा रही थी। दोपहर में मेरी डोरबेल बजी, मैं भाग के गई। देखा सामने कीर्ति जी है। मैं मुस्कुराई और हम अंदर आ गए। वो नॉर्मल लग रही थी। मैं चाय बना लाई, फिर बातों का सिलसिला चल निकला। मुझसे रहा नहीं गया, मैं पूछ बैठ, क्या हुआ था कल? कीर्ति थोड़ी गंभीर हुई, फिर बोली, मुझे सजना संवरना नहीं आता, ना मैं मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, ना अंग्रेजी बोलती हूँ, ना शराब पीती हूँ, घर के काम में ही लगी रहती हूँ, तो हुई ना मैं गवार? निशा ने कहा, यहाँ शो ऑफ करो तो आप मॉडर्न, नहीं तो गवार। कीर्ति ने कहा, लेकिन खुश हूँ मैं, मैंने भी कल कह दिया, बहुत हुआ, अब मैं ऐसे ही हूँ, मेरे साथ रहना है तो रहिए, वरना मैं अकेली जी सकती हूँ, गवार नहीं हूँ मैं। दरअसल कल उनके ऑफिस पार्टी में मैं साड़ी पहन के गई थी। वहाँ मैं ना किसी के साथ नाची, ना शराब पी, ना इंग्लिश में बातें की। ऊपर से इनके बॉस जो मुझे टच करने की कोशिश कर रहे थे, उनको झिझक दिया मैंने। बस पूरी बात जाने बिना ये मुझे ही गवार बना दिए। बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? कुछ देर बाद ही बेल बजी। मैं दरवाजा खोली तो कीर्ति के पति थे। उनके हाथों में फूलों का गुलदस्ता और सॉरी का कार्ड और मिठाई का डिब्बा था। वो मेरे घर आए और मैं वहाँ हूँ इसकी परवाह किए बिना कीर्ति जी को सॉरी बोले और पूछा, सर की हरकतों के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? और ये भी बताया कि सब उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे। उनकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया था। कीर्ति के पति की महिला सहकर्मी ने सर की हरकतों के बारे में उन्हें बता दिया था। मेरी तो जान में जान आई और दोनों का प्यार देख के खुशी भी हुई। एक गलत फहमी इनके रिश्ते को आज बिगाड़ ही देती। आज कीर्ति के पति को समझा, उनकी बीवी गवार नहीं बल्कि एक शांत और सुशील महिला है जो बुराई के खिलाफ लड़ भी सकती है। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। आज उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।